आपको फीडबैक की जरूरत बनी है, रिक्वायर्ड हो रहा है ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, ये सर्किट एम्पलीफायर टॉपिक का नाम है फीडबैक रिक्वायरमेंट फॉर ऑसिलेटर्स एंड फीडबैक ऑसिलेशंस। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का काम करता है आपको अगर आउटपुट बहुत ज्यादा मिल रहा है, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है तो आप अपने डिस्टॉर्शन को कम कर सके, इसलिए मुझे लगाया, मैंने लगाया पड़ता है यहाँ पर बीटा पर। बीटा सर्किट मैंने लगा दिया और वैसे यूज कौन सा बीटा सर्किट करता है, नेगेटिव बीटा, नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं क्योंकि हमें आउटपुट पावर जो होता है डिस्टॉर्शन कम चाहिए होता है। ये हमने यूज करा था फीडबैक चैप्टर पर, इधर हम ऑसिलेशन बढ़ा है तो यहाँ पर यूज करेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक। क्यों करेंगे, क्योंकि आज हमें ऑसिलेशन बढ़ानी है, कम नहीं करनी, आज ऑसिलेशन बढ़ानी है, डिस्टॉर्शन बढ़ेगा। ये समीशन जो कर रहा है वो मिक्स कर रहा है, मिक्स सिग्नल मिक्स करने का मतलब है वीआई और वीएफ को सिग्नल मिक्स करके फिर उसने इनपुट बना दिया वीआई है। फिर आप एम्पलीफायर को फिर बढ़ जाएगा तो मतलब ऑसिलेशन वैल्यू पॉजिटिव फीडबैक आने की बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, ऑसिलेशन में बढ़ती जाता है, सब में डिस्टॉर्शन भी बनना, गेन भी बनना, सब कुछ हो रहा है। आगे समझ में आ रहा है, कम नहीं करना है कुछ, आ रहा है बढ़ाना है, तो इससे पॉजिटिव फीडबैक आया वहां पर, कम करने से डिस्टॉर्शन के लिए वहां पर नेगेटिव फीडबैक। आगे समझ में वही कंसेप्ट सेम है। और आपने फीडबैक एम्पलीफायर मैंने बता दिया डिफरेंस बस इतना ही है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, वहां पर हमारा नेगेटिव, बस इतना ही डिफरेंस है। आज पॉजिटिव ही इसलिए है क्योंकि आपका ऑसिलेशन चल रहा है, पॉजिटिव है। देखिए positive feedback
पॉजिटिव से गेन भी बढ़ता है और जितना गेन बढ़ता जाएगा वहां पर ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ऑसिलेशन भी बढ़ेंगे। अगर मुझे ऑसिलेशन चाहिए तो पॉजिटिव फीडबैक का और डिस्टॉर्शन कम चाहिए तो नहीं क्या करना चेंज करके लिए अगर आउटपुट का कुछ पार्टिकल हम उसे बीटा वाले पर से गेन करता है तो हमारा जो रिजल्टेंट इनपुट होगा तो जो हमारा डेल्टा इनपुट हो जाएगा इसको हम बीटा जब हमने उसमें से कुछ पार्ट लिया और क्या कर दिया उसका इनपुट कर दिया तो रिजल्टेंट इनपुट क्या हो जाएगा बीटा ही है। कौन सा फीडबैक लग रहा है पॉजिटिव बाकी ओपन से लॉग में से लेना है ये तो इनपुट हो गया। अब मुझे आउटपुट चाहिए ये तो इनपुट किस की बात है फीडबैक आने की बात है। अब मुझे आउटपुट चाहिए फीडबैक आने के बाद इसके बाद है आउटपुट हमने गेन पढ़ा है आउटपुट अपॉन गेन आउटपुट अपॉन इनपुट क्या है मुझे आउटपुट चाहिए फीडबैक आने के बाद एक ले आओ ठीक है आउटपुट वोल्टेज इसका कुछ पार्ट इसका पार्ट लिया बीटा ने 10% 20% इसको
एरिया इसका 10% भी करता है उसको भेज दिया, तो मतलब यहाँ पर पूरा आउटपुट आता है जो है वो सारा यही कराएगा, लेकिन बीटा इसका 10% लेगा, मतलब बीटा का 10% है तो बीटा कितना लेगा, अगर 40 है तो 40% लेगा, तो फीडबैक वोल्टेज निकलता कितना है बीटा बी, ये होगा हमारा फीडबैक वोल्टेज अब मुझे डीए की वैल्यू पता है, ए डी आई आर की डी आई की वैल्यू पता है, डी आई आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ डी नॉट अपॉन ए, अब मैं इक्वेशन और सिचुएशन का यूज करके डी आई आर को डी आई की वैल्यू और यूजिंग इक्वेशन एंड फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट बी डेल्टा बी यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट we get the resultant gain of the amplifier feedback amplifier, the resultant gain of the feedback amplifier here is the PI कितनी का भी स्पीड आया
आई वे टू कम आई का आई टू थ्री वन एट टू टू थ्री टी नॉट अब क्या करना है पॉजिटिव फीडबैक अब पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये भी है ना जो ये भी है ना अब फेस कितने का होगा जीरो का नहीं होगा जीरो का तो मतलब ये होता है जो है वहीं पर रहना ये लौट के वहां आ रहा है तो ये फेस कितना रहेगा इस बार कंडीशन में 2 पाई का मतलब नेगेटिव फीडबैक का फेस रहता है पाई का पॉजिटिव फीडबैक क्या रहता है पाई का नेगेटिव फीडबैक के अंदर तो ए बीटा की वैल्यू होती है वो रहती है -1 तो ये इनफाइनाइट नहीं रहता है लेकिन इसका कंडीशन क्या होता है 1 देख लीजिए under this condition acts as an oscillator hence for self-excited oscillations for self-excited oscillation. Self-excited oscillation मतलब क्या oscillation? Self-excited oscillation. Following positive conditions are possible. Conditions are possible. तो जो पॉजिटिव कंडीशन में बता दूं वो चाहते हैं आप उससे कम कर दें ना ये क्या होना चाहिए इनफाइनाइट आप इनफाइनाइट होंगे तो क्या पॉजिटिव होगा और फेस कितना होना चाहिए टू पाई पहले कंडीशन के ये इनफाइनाइट होगा तो ये डिपेंड है यू वन फर्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट should be unity. That is A beta question. Second, the superficial in the amplifier. Is the integral multiple of 2 pi beta. That is, it is 2 pi to pi is my equation. That is, the feedback must be positive. ये दो कंडीशन है जो आपका ऑसिलेशन के लिए पॉसिबल मतलब अगर आपका अपने आप ऑसिलेशन देख रहे हैं कि ऑसिलेशन हो भी जाए तो दो कंडीशन ऑपरेशन इन दोनों जो आपने कंडीशन लिखी है सेल्फ एक्साइटेड ऑसिलेशन को राइट आंसर जी जाते दो क्राइटेरिया Self-excited oscillations.
सर लाइक ये हमारा एडिशन था सर लाइक ये दो बाय टाइम कौन कौन सी ऑप्शन फाइल होगा ये आईडी एडिशन अब एप्लीकेशन ये सब अब ये मैं आपको बताऊं होगा ये बड़ा प्लीज ये गेट ना लिया इन अब कंडीशन देयर इज नो ऑस्किलेशन देयर इज नो ऑस्किलेशन सेकंड इफ एवरी टाइम इक्वल टू 1 इन फाइव मिनट मतलब किसी मंचा का अगर एक बीटा बन गया तो यार उसमें कितनी मात्रा कितना सोशियस हो रहा है डेफिनेटली नहीं जाए नहीं जाए दिया रहा है इनफाइनाइट ऑफ सोशियस आपको इनफाइनाइट ऑफ सोशियस आर पॉसिबल सर्किट रिक्वायरमेंट फॉर सेल्फ एक्सेप्टिव सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट फॉर सेल्फ एक्सेप्टिव सॉल्यूशन ऑसिलेशन के अंदर ये वाले टॉपिक के बाद आपको टाइप चलोगे पांच पांच में से चार जो करेंगे ना पांच टाइप फिर इसके बाद इस टॉपिक के बाद टाइप स्टार्ट करेंगे टाइप के बाद वो चैप्टर होंगे सिलेबस हो जाएगा पांच टाइप पढ़े आज ये Thank you.
अरे वो है उठाई तो भाई वो शादी को मैंने ट्राई कर लिया स्टार्ट ऑफ करना स्टार्ट ऑफ करना है वो नहीं समझे उसे बोला मैंने अभी तक टॉपिक का नाम देखो क्या है सर्किट रिक्वायरमेंट फॉर सेल्फ हमने इस तरीके से सर्किट पूरा कर दिया है कि बिना इनपुट भी आपका मिलता है अगर मैं आपको By this circuit, a phase difference of 5. Is produced between output and feedback signal. Along with the difference of 5 between input and output signal. A phase difference of 5 is produced. Which satisfies the Gram-Poisson criteria. ये तीन रिएक्टिव एलिमेंट है जिसका काम करना फीडबैक का काम करना पहला फीडबैक का हो गया
नेगेटिव फीडबैक लगा देंगे, एक बार नेगेटिव लगाओगे तो वो पाई का फेज डिफरेंस ऑब्टेन करेगा, तो लगा देंगे तो फिर पाई का करना रहेगा, पाई और पाई मिलकर हो जाएंगे 2 पाई का टोटल, मतलब वो हो जाएगा 2 पाई का तो पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करने लगेगा। ये तो एम्पलीफायर लगा, ये रहा पहला रिएक्टिव एलिमेंट, ये पहला रिएक्टिव एलिमेंट है एम्पलीफाई होने के बाद सिग्नल, ये पहला यहां से गए सिग्नल और यहां से गए एम्पलीफाई होने के बाद यहां मिलेंगे, यहां से जो जाएगा अगर तो नेगेटिव फीडबैक है ये, नेगेटिव फीडबैक यहां पर पहुंचा के किस मेगा कर देगा इसको पाई का कर देगा, तो फेज डिफरेंस नेगेटिव के लिए बता दूंगा या पाई का पहुंचा दिया इसको यहां से, क्या दिशा से नेगेटिव फर्स्ट कर देना, फर्स्ट कर देना यहां से सिग्नल जाएंगे इनपुट जाएंगे क्या हो जाएगा हम पहुंचे क्या पहुंचे एम्पलीफाई सिग्नल यहां पहुंचे, यहां से नेगेटिव लगा दिया मैंने, नेगेटिव लगा दिया तो यहां पर भी पहुंचेगा, तो कितना पहुंचेगा पाई, फिर यहां पहुंचेगा ये सिग्नल पाई होने के बाद ये पाई का आंसर आएगा ये दोनों किसको लगना है
सीरीज में इनकी जगह एक रेजिस्टेंस दे देते हैं, ये क्यों दे रहे हैं? इनका भी रिपीट होने वाला है, अरे ये दोनों तो सीरीज में अब ये नॉर्मल नहीं है, पैरेलल में आगे सामने लेकिन फॉर दिस सर्किट लिखिए अब वोल्टेज भी निकाला आउटपुट का कौन आपको रिंग को लिखेंगे अब वोल्टेज भी आउटपुट आउटपुट तो भी अब इनपुट यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर माइनस डीएम आर जेड एक चीज और देखो जी इनटू आर ये ना इसको मैंने मान लिया जी इनटू आर को ए बी अपॉन आर प्लस जी आर Thank you.
जो फीडबैक करता है वो कौन करता है? मैंने बताया था यहाँ से फाइव का फीडबैक दोबारा फाइव का होगा, तब भी फाइव का फीडबैक होगा। तो सबसे पहले फीडबैक किसने करा था? जर्मन वाले ने। तो फीडबैक को डिस्कस करना सिखा रही है। अगर मेरे फीडबैक को देने की नाम है डी है जर्मन के लिए आपको लग रहा है कितना है ये दस मुझे जेडवन की निकाल है मैंने बताया था जेडवन और सीरीज में जेडवन देखिए फिगर वन बी आर इक्वल टू बी ए का नाम को कर रहा था चेक अल्टीमेटली निकालना क्या ए ए निकालना है और मुझे भी यह चाहिए होगा बीटा बी लगाएंगे ना बी एफ इक्वल्स टू तुम्हारे साउट बी बी एफ आ गया। अब मुझे बीटा चाहिए, बीटा किसका मिलके बना होता है? बीटा सब जो होता है केवल फीडबैक वाले चीजों का मिलके बना होता है। इसमें फीडबैक तीन काम कर रहे हैं जेड टू जेड वन और जेड थ्री, इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बना होगा? बीटा सर्किट। देखिए ये तो बी एफ हो गया, देखिए तो बीटा सर्किट बीटा भी किसके अलावा नहीं था? इसके अलावा हमारा बीटा वोल्टेज निकालना है। बीटा वोल्टेज किसके अलावा निकालना है? जेड वन के लिए। बीटा भी किसके लिए निकालना है? जेड वन। और जेड वन और जेड थ्री पर एक सी नहीं लगेगी और जेड थ्री पर अलग आएगी। जितनी करंट जेड थ्री पे आएगी उतनी करंट हमारे जेड वन पे आएगी। तो दोनों कितना हुई है? तो मैं बीटा सर्किट किसी को बात हूँ जेड वन और जेड थ्री बीटा इक्वल्स टू जेड वन और जेड थ्री। अब निकाल दो ये बीटा क्या
अब तक आगे में के भी जाता है फीडबैक फैक्टर ए भी का ए भी का नाम माइनस जे भी ये तो निकाल सकते हो बीटा का इनटू कर दो अगले वाला के भी का क्या लगा ए से माइनस के भी जेड एल जेड वन और जेड फिर हमने जेड एल की वैल्यू निकाल दी बच्चे बढ़ेंगे मौसम में ठंडी टाइम्स मौसम के बाद हम अपने आपके चेंज हैं आई एम चेंज जनरल जेंटल को मारो का सेट है और जेंटल का सेट है सी जेड का सेट है अब और आरो का सेट है आरो प्लस जेड एन आगे के लिए जेंटल का नाम याद तो नहीं कर दो हां तो बोलो सी याद रखना नीचे को कर दो तो हो जाएगा सब कुछ लग जाएगा सब हम लोग जाएंगे सब कुछ जब भी किसी जगह पर होते हैं ये क्या है आगे ये किस जगह से लोगों को आ अब तक आ रहा है बन रहा है सेवन तक निकाल तो ये ना तो फीडबैक ये वोल्टेज के नाम पर फीडबैक ये पेज के नाम पर तो आप कम से कम ये वन और माइनस ये है जितना सिंपल है वो बता लेना और कम भी डाल दो हां ये रहा हमारा ये रहा